सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है कक्षा पांचवी के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। तो चलिए हम लोग इला सचानी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां हमने सुना था कि वो अपने पैरों से जो है सारे काम करने लगी थी जिनको हम हाथों से करते हैं, और ऐसा करने के बाद जो है उसने अब जो है स्कूल में दाखिला भी ले लिया। फिर क्या हुआ, दाखिला मिलने से भी उसे परेशानी हुई, दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, क्योंकि वो बाकी स्टूडेंट्स की तरह नॉर्मल नहीं थी, इसलिए उसको स्कूल में दाखिला वर्ड का क्या मीनिंग है, एडमिशन, उसको एडमिशन मिलने में भी स्कूल में दिक्कतें हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, कभी कोई स्कूल उसको कहता कि नहीं ये इसको इसकी सुरक्षा कौन करेगा यहाँ पर स्कूल में, यहाँ पे स्कूल में जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं सभी हो सकता है कि उसको वो थोड़ी डिफरेंट है इसलिए उसका मजाक उड़ाए, उसको मारे, तो फिर वो तो अपना बचाव कर नहीं सकती है, तो ये कार्य भला कौन उसके लिए कर देगा। तो यहाँ एक प्रॉब्लम उसको हो रही थी। उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई, उसके बाद उसका काम करने का स्पीड, तो उसके काम करने के स्पीड को लेकर भी प्रॉब्लम्स हुई। कैसी प्रॉब्लम्स हुई, उसको ये फेस करना पड़ा कि मतलब एक्चुअली देखिए, हम हाथों से कर रहे हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी ऐसे मेड है कि वो अपने हाथों के ज़रिए वो अपने कार्य करती है, और पाँव के ज़रिए वो चलने दौड़ने का, मतलब बॉडी को बैलेंसिंग का कार्य हमारे पैर करते हैं। लेकिन यही अगर उल्टा पड़ जाए, यदि आप पैरों से चलें भी, बॉडी को बैलेंस्ड भी रखें और पैरों से यदि काम भी करें, तो ये आप जबरदस्ती अपने आत्मविश्वास के, अपने मन के ताकत के जोर पे आप कर तो सकते हैं, लेकिन मतलब कर सकते हैं मतलब क्या, ये इतनी आसान बात नहीं है। उसने महारत हासिल कर ली थी इस कार्य में, इसलिए वो कर पाती थी, लेकिन फिर भी हम ऐसा करने की सोच सकते हैं। फिर भी ऐसा वो करती थी, उसने केवल सोचा नहीं, वो करती भी थी। लेकिन आप ये सोचिए कि वो जो ये चीज़ करती थी, ये चीज़ तो नेचुरल नहीं थी, अननेचुरल थी, है ना, नेचर के बनाए हुए नियमों के खिलाफ थी। तो इसलिए हम लोग जितनी आसानी से इस कार्य को करते थे, उसको इस कार्य को करने में उतनी ही परेशानी होती थी। इस वजह से क्या होता था कि उसको जो है इन कामों को करने के लिए बहुत समय लग जाता, ठीक है। वो हम लोग अगर एक पेज लिखने के लिए, सपोज़ कि यदि आप लोग को एक पेज लिखने के लिए 10 मिनट लगते थे, तो उसको शायद आधा घंटा लग जाता। तो स्कूल का एक नॉर्मल टाइमिंग होता है, एक शेड्यूल होता है, पीरियड होता है 35 मिनट्स 40 मिनट्स का। तो अगर वो उस पीरियड के अंदर उस वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट टीचर आके जब पढ़ाएंगे तब वो क्या करेगी, तब क्या वो पिछला ही वर्क दोहराती रहेगी। तो ये सब लेकर के मतलब प्रॉब्लम होने लगा उसके स्पीड को लेकर, उसको चांस मिल नहीं रहा था पहले से ही, मतलब ऐसा होने से पहले ही टीचर्स या स्कूल अथॉरिटी उसको खारिज कर देते कि भाई ये तो हमारे बाकी बच्चों की तरह नहीं है, तो फिर ये उन लोगों के साथ पढ़ेगी, तो फिर ऐसी दिक्कतें तो आती रहेंगी, तब क्या होगा, ठीक है। अब जो है कि किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम को काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही। अब देखो, ये बात नहीं है कि वो कार्य को ठीक से नहीं कर पाती थी, वो किसी किसी काम को इतनी फुर्ती के साथ, इतनी चुटकी बजाते ही कर लेती थी, जितना कि शायद हम हाथों से भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं, देर हो जाती है हमको करने में, उनको कर लेती थी। लेकिन कुछ कुछ कार्य को करने में उसको लेट होता था। देखिए, जो कुछ आसान हो गया था उसके लिए कर करके, कुछ चीज़ें उसके लिए मतलब उतना अब डिफ़िकल्ट नहीं था, उनको तो वो जल्दी कर लेती थी। लेकिन जो चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिनको हमको हाथ से करने में दिक्कत होती है, उनको जब वो पाँव से करने लगेगी तब तो उसको लेट तो होना लाजमी है। लेकिन मैं कह रही हूँ लेट होना लाजमी है, लेकिन अथॉरिटी भला इस बात को क्यों सुनेगी। तो उसको करने में उसको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन प्रॉब्लम होती थी, मैंने ये नहीं कहा कि वो उन कामों को नहीं करती थी,
मैंने कहा उसको प्रॉब्लम होती थी उन कामों को करने में, तो फिर आगे क्या हुआ, वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, लेकिन वो ऐसी थी कि वो किसी भी परेशानी के आगे घुटने टेकना, घुटने टेकना एक मुहावरा है, मतलब हार मानना, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मानना। वो किसी भी मुसीबत के आगे हार मानने वाली में से, हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई, उसने टोटल क्लास 10 तक की पढ़ाई की, ठीक है। तो आज के कक्षा में इतना ही रखते हैं, फिर आगे जानेंगे इला सचानी की कहानी। धन्यवाद।